हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ हेल्दी स्नैक्स लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। और कैसे बनता है और क्या चीज़ बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे अपने किचन में। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने किचन में। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम पहले एक डो तैयार करेंगे, यानी कि पिज़्ज़ा डो हम रेडी करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेज़रमेंट करके मैं कटोरी से ही नाप के सारी चीज़ें लूँगी। तो पहले मैंने आधी कटोरी मैदा लिया है, फिर उसके बाद में हम आटे से ही पिज़्ज़ा को बनाएंगे। तो ये मैंने एक कटोरी डाला, फिर दो कटोरी। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैंने तीन कटोरी आटा का यूज़ किया है और आधी कटोरी मैदा। इससे ज़्यादा हमको मैदा नहीं लेना है क्योंकि हम फ्रेंड्स रोटी से ही पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बना के देखिएगा ज़रूर कि कैसे कैसे मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो एक चम्मच मैंने ये चीनी ली है, तो जितना मैंने आटा लिया उसी के हिसाब से सारा सामान मैंने लिया है, आप भी ऐसे ही रखिएगा। तो ये थोड़ा सा नमक लेंगे, आधा चम्मच हम नमक लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये फ्रेंड्स खाने वाला सोडा है जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा नहीं है, जो घर में यूज़ करते हैं खाने वाला सोडा। ये एक चम्मच मैंने यूज़ किया है। इसमें ना ही कोई हम यीस्ट डालेंगे और ना ही कुछ मतलब खट्टी चीज़ डालेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जो मैं घर में नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही हम ये डो तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम ये दही लेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है क्योंकि हमने इसमें खट्टी चीज़ कोई नहीं ऐड करी है, तो हम इसमें थोड़ा सा दही ज़रूर ऐड करेंगे। तो दही से ही हम इसको सान लेंगे, पानी से ना सान के। तो फ्रेंड्स ये जितना भी हमने ये डो बना रहे हैं ये इसमें 9 से 10 पिज़्ज़ा आराम से बन जाते हैं। तो जितना हमको ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें दही का यूज़ करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटे में मॉइस्चर कर लगाने के लिए ये मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, यानी कि धुआं छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में इसको ठंडा कर लिया है और इसी से हम थोड़ा सा मोयन डालेंगे। और इसको डालने से जो डो का मॉइस्चर होता है वो बना रहता है और जो पिज़्ज़ा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट बना होता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा मॉइस्चर लेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने ही तेल लिया है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और अच्छे से सारी चीज़ मिक्स करके बस इसी स्टेज पे हम इसको ढककर रख देंगे और 1 घंटे के लिए फ्रेंड्स हमको रखना है ढक के। तो पिज़्ज़ा के डो को रखे हुए फ्रेंड्स 1 घंटा हो गया है। तो इसका डो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। पहले तो हमें इसको खूब मसल मसल के हाथों से अच्छे से रगड़ लेना है। और ये देखिए जब हम खींच रहे हैं पिज़्ज़ा को तो इस तरह से इसके खिंचाव आ रहा है, मतलब बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें मतलब कुछ खट्टा चीज़ पड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स हमने खट्टा इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया है। तो ऐसा ही मतलब पिज़्ज़ा का डो होना चाहिए। तो ये पिज़्ज़ा का डो फ्रेंड्स रेडी हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसको रेडी करने। तो फ्रेंड्स देखने ये देखिए जो डो हमने लिया है उससे हमने एक लोई ले ली है। लोई हमको नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उससे हमको डबल लेनी है, थोड़ी सी मोटी लेंगे और चकले में हम आटा लगा लेंगे। और इसको जैसे रोटी बेलते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बिल्कुल पतला हमको नहीं बेलना है। पिज़्ज़ा का डो मोटा रहता है तो इसलिए इसको मोटा बेलेंगे। और बेलने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम फॉर्क से इसमें छेद छेद कर लेंगे। जैसे बाहर के जब हम डो मंगाते हैं तो उसमें छेद छेद से रहते हैं ना, तो ये हम इसमें छेद कर लेंगे। तो जिससे कि पिज़्ज़ा जब सेकेंगे तो बहुत अच्छे से ये अंदर तक सिक जाएगा। और एक ही तरफ हमको छेद करना है, ना कि दोनों तरफ। और बिल्कुल अच्छे से छेद करेंगे कि सारा मतलब पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से सिक जाए। तो कुछ पिज़्ज़ा हम बना के रेडी कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना मतलब ऐसे इसी तरह से हमको सारा डो बनाकर रेडी कर लेना है। ये पिज़्ज़ा का हमने पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने के लिए, कैसे सेकना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर लिया है और मैंने एक बड़ा तवा लिया है जिसमें कि सारे पिज़्ज़ा आराम से आ जाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो छेद वाला हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे और जो प्लेन हिस्सा है वो हम ऊपर रखेंगे। वो इसलिए वो भी हम आगे बताएंगे किस लिए हमने ये हिस्सा नीचे रखा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लो पहले हमने तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम तवा को गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि किस तरह से ये पिज़्ज़ा डो बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही डो रहता है बाहर का, ऊपर से बिल्कुल ऐसे कच्चा कच्चा सा, लेकिन ये फ्रेंड्स कच्चा नहीं होता है, ये पक गया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से पक गया है अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही डो हमको चाहिए।
तो सारे पिज़्ज़ा के डो इसी तरह से आप बनाकर रेडी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम इसको चलते हैं इसकी मतलब पिज़्ज़ा को रेडी करने के लिए। तो जो हमने फ्रेंड्स जो पक गया है हिस्सा वो हम ऊपर रखेंगे और जो हिस्सा हमने नहीं सेका है उसको हम नीचे रखेंगे, क्यों वो इसलिए क्योंकि अब हम जब सेकेंगे तो वो हिस्सा नीचे रहेगा, तो जिससे कि जो हिस्सा नहीं सिका है वो भी सिक जाएगा। तो इसी तरह हम इसमें देखिए टमाटो सॉस लगा लेंगे दोनों डो में, जो पिज़्ज़ा बेस है हमारा उसमें हम अच्छे से टमाटो सॉस लगा लेंगे। और वेजिटेबल्स आप अपने कोई भी पसंद के ले सकते हैं, या फिर ओनियन पिज़्ज़ा ही बना सकते हैं या पनीर पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। हम आपको दो तरह का पिज़्ज़ा बना के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। पहले तो ये हमने चीज़ लिया है, चीज़ आप चाहे इस तरह से भी डाल सकते हैं या फिर इसको कद्दूकस से घिस के भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से डाला है और ये थोड़ा सा मैंने ओनियन रख दिया है। तो ओनियन के पीसेस जो होते हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए, ज़्यादा छोटे नहीं। इसी में फ्रेंड्स थोड़ा सा शिमला मिर्च हम लगा देंगे। ये मैंने टमाटर के कुछ स्लाइसेस काटे थे, टमाटर भी लगा देंगे। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे तब इसके स्लाइसेस लगाए हैं, क्योंकि नहीं तो फिर पानी पानी छोड़ता है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा मेरे पास कॉर्न रखा था तो मैंने कॉर्न भी का भी यूज़ कर लिया है। तो ये फ्रेंड्स कॉर्न पिज़्ज़ा हो जाता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स जो चीज़ है तो इसको, ये फ्रेंड्स मोज़रेला चीज़ है, इसको ये पिज़्ज़ा में अधिकतर इसी को यूज़ करते हैं। ये फ्रेंड्स ब्लैक पेपर है, इसको इसी में हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और ये फ्रेंड्स ऑर्गेनो, ऑर्गेनो अगर नहीं भी है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप काली ब्लैक पेपर ही डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, ये सादा नमक डाला है, इतनी ही चीज़ हमको डालनी है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा वाला जो बेस है इसमें हम ये सब कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें ओनियन डालेंगे और पनीर डालेंगे और थोड़ा सा चीज़ मैंने रख दिया है। और तो हम इसको ओनियन पनीर पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसको हमने कॉर्न और टमाटो वगैरह भी डाल दिया था, तो इसको हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। और चीज़ वही डालेंगे, इसमें भी हम ब्लैक पेपर डालेंगे, ऑर्गेनो काल और वो सादा नमक और रेड चिली फ्लेक्स, इतनी चीज़ें हम इसमें भी डालेंगे। और अब इसको कैसे सेकना है फ्रेंड्स वो हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, इसी में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। एक इसमें बनाएंगे फ्रेंड्स और एक तवा मैंने लिया उसमें बनाएंगे। तो जो नॉन स्टिक कढ़ाई है उसको एकदम लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे और हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी इसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे, थोड़ा ही बटर लगाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा हमको नहीं लगाना है इसमें। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम रख देंगे अपना पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा रखने के बाद हमने इसको लगा दिया ढक्कन, ढक्कन लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको चढ़ा देंगे उस वाली गैस पे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चढ़ाएंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। और इसको हमें बस 5 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इधर चढ़ाते हैं फ्रेंड्स बड़ा वाला तवा, तो जिससे कि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो तवे पर भी बहुत ईजिली अच्छे से सिक जाता है। तो इसमें भी फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हमें पिज़्ज़ा रखना है, नहीं तो फिर पिज़्ज़े में वो टेक्सचर नहीं आता है। ये देखिए इस तरह से हमने भी इसमें थोड़ा सा बटर लगा लिया है और जो पिज़्ज़ा बेस है हमारा इसी पे रख देंगे। और बिल्कुल गैस की फ्लेम हमने लो रखी है। अब हम इसको एक कटोरे से जिस नाप का इसका पिज़्ज़ा बेस है उसी नाप से हम इसको ढक देंगे। इसको भी 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर रखेंगे, फिर दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए पिज़्ज़ा भी बिल्कुल पक गया है। साइड से देखिए इसमें पिज़्ज़ा जो बेस है उसमें लालिमा आ गई है और जो चीज़ डाली थी फ्रेंड्स हमने काट के डाली थी तो इस तरह से ऐसे दिख रहा है। अगर आप चीज़ जो ग्रेट करके डालेंगे तो एकदम वो एकदम मेल्ट हो जाती है, मेल्ट ये भी हो गई है लेकिन वो ज़्यादा ना जैसे खिंचाव सा आता है उसमें, तो वो उसमें दिखता है, इसमें नहीं दिखता है। लेकिन पिज़्ज़ा बिल्कुल वैसा ही टेस्ट बनकर रेडी हुआ है जैसे कि घिस के डालते हैं वैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है और इसको हम काट रहे हैं ना फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से मतलब ईजिली कट गया है। आप चाहे नाइफ़ से भी काट सकते हैं, ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर रखा था तो मैंने इसी से ही इसको कट कर लिया है। इसको 4 पीसेस में कर लीजिए या 2 पीसेस में कर लीजिए, गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये तो पनीर पिज़्ज़ा है, ओनियन पिज़्ज़ा है। अब दूसरा वाला भी आपको इसी तरह हम कट करके दिखाते हैं।
और बिल्कुल जैसे बाहर का पिज़्ज़े का टेस्ट रहता है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही बनकर रेडी हुआ है ये, और खाने में भी इसका बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल गर्म है और देखिए कितना लाल सा हो गया है और पक गया है ये भी सब चीज़ इसमें। इसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये भी हमने कट कर लिया है और गर्म है फ्रेंड्स, तो इसलिए पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए पनीर पिज़्ज़ा और ये सारा जितना मिक्स वेजिटेबल है रेडी हो गया है। इसी तरह आप भी बनाकर इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह से हमने ये आटे का पिज़्ज़ा बनाया है और बिल्कुल जैसे कि मैदे का डो होता है बिल्कुल वैसे ही ये बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल जैसे मार्केट से हम लोग मंगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है। तो क्यों ना आप भी इसी तरह बनाकर देखिए और बनाकर बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।